हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आशा करती हूँ माता रानी से कि आप सब अच्छे बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, बढ़िया नहीं हूँ, थोड़ी सी तबीयत ऐसी लग रही है, कुछ ठीक नहीं लग रही है। और ठंड भी हो गई है थोड़ा ना, मौसम भी चेंज हो रहा है उसकी वजह से थोड़ा तबीयत नहीं ठीक है। स्माइरा भी बीमार है हमारी, और छोटा भी, हार भी हमारा, और भाई बीमार था। भाई की वो टेंशन थी हमें, क्योंकि भाई से इतना प्यार है ना। प्लीज़ हम भाई के लिए प्रे करना कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, कि हो जाए, क्योंकि उसी से हमारा घर लिए सब कुछ, इनके लिए सब कुछ हुआ है। तो और भाई से हमें इतना ज़्यादा है, भगवान बस उसको ठीक करके हमेशा बेशक हमें उठा ले, पर उसे कुछ ना करे, क्योंकि उसके बिना हमारा कोई भी नहीं है। वही है, एक एक माँ है, एक भाई हैं, भाभी है, बस उन तीन चार लोगों के सिवाय हमारा कोई नहीं है। हमें भाई, हमें भगवान उठा ले बेशक, पर हमारे भाई को कुछ ना हो। इसी दिल से बोल रही हूँ कि भगवान हमें उठा लो, क्योंकि हमारी किसी को भी ज़रूरत नहीं है। बस आप उठा लो, हमारे भाई को कभी भी कुछ ना हो, बस इतनी सी तकलीफ ना हो उसे, क्योंकि सच में बहुत प्यार है हमें भाई से, क्योंकि वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है ना, क्या बोले। हम दोनों लड़ती रहती हैं, हम एक दूसरे से इतना लड़ती है, पर हम बहनों में इतना मतलब प्यार है कि हम उस लड़ाई को, इतना कुछ भी बोल दे, हम उस लड़ाई को सब कुछ भूल जाती हैं 2 सेकंड में, हम बोलने लग पड़ती है। और भाई क्या है, हमारा भाई हमें कभी भी इतना सा जवाब नहीं देता, कभी भी नहीं। मम्मी को उसने कभी भी जवाब नहीं दिया, डैडी को कभी भी नहीं, उसने कुछ भी नहीं बोलता है वो। अगर हम कुछ, हमने तो उसने ही नहीं बोला, तो हम भी क्यों बोले। हम बहुत प्यार करते हैं, जैसे मम्मी कुछ बोल दे तो मतलब वो ना बस जवाब ही नहीं देता, यहाँ वहाँ बस चला जाता है, मतलब ध्यान ही अपना भटका देता है वो, यहाँ वहाँ चला जाता है, कभी भी जवाब नहीं देता है मम्मी को। और डैडी को भी कभी भी उसने कुछ नहीं बोला, डैडी इतने ख़राब थे, कभी भी उसने नहीं बोला डैडी को भी कुछ भी। इतना अच्छा है, मतलब ऐसा भाई भगवान सबको दे। बस वो अगर जरा सा भी बीमार होता है ना, तो प्लीज़ प्रे करना कि उसको कभी भी इतनी सी तकलीफ़ ना दे भगवान, हमें बेशक उठा लें, क्योंकि हमने जो है अपने फर्ज कर दिए हैं, अब हमारी किसी को भी ज़रूरत नहीं है। तो बस वो ठीक रहे, उसका परिवार ठीक रहे, और उसको हम देखिए अपनी जो दोस्ती है वो भी छोड़ दें, क्योंकि वो दोस्त जो होते हैं, हम उसको कई बार बोलते हैं और उसको दिखाया भी ना हमने कहीं, क्योंकि वो ठीक नहीं रहता। उस दिन उसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी 3-4 दिन पहले, तो कुछ हो गया था उसको, इतना कुछ बोलने लगा वो, कुछ कुछ बोलने लगा, हमें भी डरा रहा था कि मम्मी कोई आ गया है बाहर, मुझे बुला रहा है, मुझे वहाँ बोल रहा है कि आने को। उसने डोरी डोरी पहनी हुई थी बाबा जी की, वो भी कोई बोल रहा था कि उसको उतारो। कभी बीड़ी नहीं पी, कभी उसने चिकन नहीं खाया, मीट नहीं खाया, तो वो भी उसको मांग रहा था, बीड़ी मांगने लगा और मीट उस दिन मांगने लगा, चिकन मांगने लगा, मम्मी ये लेके आओ। तो फिर वो डरा दिया था उसने, पता नहीं कौन लोग हैं जो ऐसा करते हैं। इतना अच्छा काम चला है उसका, इतना अच्छा, उनके लायक भी नहीं छोड़ा किसी ने। पर ये कि जो करता है ना, वो कभी भी जितना मर्जी कोई भी कुछ कर लेना, अभी तो बिगाड़ लेगा, पर बाद में उसकी इतनी हालत ख़राब होगी ना। कर ले जिसको करना हो, मुझे, मैंने भी पंडित को दिखाया, मुझे भी कुछ कुछ बोल रहे हैं पंडित कि मुझे भी कुछ किया हुआ खिलाया है मेरे और मेरे हस्बैंड को, कि मैंने कहा मुझे मुझे क्यों खिलाया है, मुझे उस आदमी को मुझसे क्या तकलीफ है। लगे कि उसको ये है कि तू घर से भाग जाए, तेरे तुझे निकालने पर आया है वो, कि घर से निकल जाए, बस बिड्डो है कोई लेडीज, पता नहीं, मैं मानती नहीं हूँ इस बात को, क्योंकि आजकल पर क्या पता, कलयुग है, आजकल यही कर रहे हैं लोग, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो जाता बस कर देते हैं कुछ भी, जादू टोना बहुत जानते हैं आजकल लोग, हम विश्वास नहीं करते हैं। पर
जैसे बोलते हैं पंडित जी तो करने भी पड़ता है विश्वास। पहले मैंने दिखाया था, पहले मुझे काफ़ी बार मुझे यही बात निकल के आती है, कोई बात नहीं कोई भी कर ले, मैं मानती नहीं हूँ इस बात को। पर मैं ये बोलती हूँ कि भगवान के आगे कुछ नहीं है, भगवान जब करता है ना तो वो इतना कर देता ना, उसकी फैमिली बर्बाद हो जाती है। बस मैं ये बोलती हूँ कि उसका कुछ भी नहीं रहेगा, जो करता है ना जादू टोना, उसका कुछ भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। हंसी खुशी से जो फैमिली रह रही होती है उसको एकदम से या बिखार देना, एकदम से यहाँ वहाँ कर देना, वो आदमी कभी भी भगवान के आगे सच में कुछ नहीं है। जो भगवान करेगा ना तो लगेगा आदमी को पता। तो बस यही प्रे करना कि भाई ठीक हो जाए हमारा, बस सभी की फैमिली अच्छी रहे, सभी के भाई बहन, सभी की फैमिली, सभी का बस भगवान आप ही ध्यान रखना सभी का। कोई कुछ उल्ट करे उसको अच्छी राह देना, उसके साथ भी कुछ भी मत करना। प्रिय को उसको सतबुद्धि देना कि ऐसा ना करे कोई भी किसी के साथ। बस हमारा दिल बिल्कुल साफ है, उनका भी ऐसा ही कर देना भगवान। बस यही बोलना था आपसे कि प्रे करना प्लीज़ आप हमारे भाई के लिए, हमारी मम्मी के लिए, भाई के लिए, छोटा बिहान के लिए, भाभी के लिए, छोटी समायरा के लिए, हमारी फैमिली के लिए, सब के लिए। तो चलो।